हम जिंदा हैं तो दुनिया में, हम किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं आज के इस माहौल को लेकर के, लेकिन वो कहीं ना कहीं वतन से जुड़ा है, तो मैं उस माहौल को उजागर करती हूँ और कहीं मेरा दृष्टिकोण रखती हूँ। आप मेरे इस दृष्टिकोण से कितने इत्तफाक रखते हैं मुझे बताइए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मंच का मन चाहती हूँ, खास तौर से सुनेगा। हम जिंदा हैं तो दुनिया में, हम जिंदा हैं तो दुनिया में, फिर जान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। हम जिंदा हैं तो दुनिया में, फिर जान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। मजहब की दुहाई दे करके ईमान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। हम जिंदा है दुनिया में, प्रमाण अगर मांगा जाएगा हम सब कागज दिखलाएंगे, प्रमाण अगर मांगा जाए हम सब कागज दिखलाएंगे, जनगण मन अधिनायक जय है मंत्र जुबा पर लाएंगे, जनगण मन अधिनायक जय है मंत्र जुबा पर लाएंगे। ये धरती वीर हमीदों की, ये धरती अमर कलामों की, ये धरती वीर हमीदों की, ये धरती अमर कलामों की, ये धरती अशफाकुल्ला के खून सने पैगाम पैगामों की, ये धरती अशफाकुल्ला के खून सने पैगामों की। मुरलीधर की धरती पर रसखान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। हम जिंदा हैं तो दुनिया में, फिर जान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या। एक बार जोरदार तालियां। मैं सच बता रही हूँ, इतना बढ़िया हंस रहे, कुछ नारियां तो इतना बढ़िया हंस रही हैं। अच्छा, हंसी से याद आया, पिछले दिनों आदरणीय जगदीश मित्तल जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर उपस्थित कराया। और आप तो आमंत्रण भी ऐसे देते हैं, नामी का ऐसा है 23 तारीख को वहां पहुंचना है, नहीं पहुंची तो देख लें, मतलब ऐसे ही आमंत्रण रहता है, हम भी चले आते हैं, चाचा जी ने कहा है पहुंचना है। तो वो मुझे याद आया, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि संसद में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी थी। हाँ, इधर से आवाज सी आई, इसका मतलब इन्होंने बहुत ध्यान से देखा था। तो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात पहुंचा रही हूँ। मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके कहा, आज मुझे बरसों बाद रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेस ही बोले कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूत्रनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेस ही बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। आज जिस उपलक्ष में यहां उपस्थित हैं, 370 बहुत देर से मैं सुन रही हूं, 370 की बात हुई, आप सबने बहुत मन से इस बात को सुना, पूरे देश ने अनुच्छेद 370 हटने पर खुशी मनाई। मैं भी एक अलग अंदाज में इस खुशी को आपके बीच व्यक्त करना चाहती हूँ। बस मेरा साथ दें और कहीं आपको लगे कि आप भी दिल से इस बात से जुड़ रहे हैं तो दोनों मिलकर आइए इस खुशी को मनाएं। मैं एक पैरोडी, एक प्रतिगीत के एक बंद को आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया। पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया, 370 हटाया मजा आ गया। 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, एक दिन में सफाया मजा आ गया, एक दिन में सफाया मजा आ गया। सेना के
माँ के सम्मान का, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, आज परचम रिहाई का लहरा दिया, आज परचम रिहाई का लहरा दिया। वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया। शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए, शाह दुश्मन की छाती पे चढ़ ही गए, शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए। शेर क्या है बताया, मजा आ गया। बहुत अच्छा, वाह। कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म। कुछ लोगों ने कहा कि ये 370 हटा या देश में ये सब हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या बदलाव आया पहले में और अब, मैं वो बात पहुंचाती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। लोग सड़क पर उतर आए हैं। एक और बात कहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे जुड़ती हूँ, सुनिएगा। लोग सड़क पर उतर आए हैं, लोगों से पूछा कि आप विरोध किसका कर रहे हो, तो उन लोगों ने कहा पता नहीं, आगे वाले जिस बात का कर रहे उसी का हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बता रही हूँ, बढ़िया बात। किसी को नहीं पता देश में क्या चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं कि इस कानून का अर्थ क्या है क्या नहीं है। मैं किसी की पक्ष, किसी का पक्ष या कोई साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक मन की बात, इस कॉलेज में खड़ी हूँ और शिक्षा के मंदिर जो आजकल राजनीतिक अखाड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है और उस बात को कहने का प्रयास करती हूँ। मैं कहीं पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही, केवल एक बात कहती हूँ और वो बात आप तक पहुंचाती हूँ। केवल अफवाह है जो एक दूसरे से एक दूसरे तक पहुंचती है। यदि बात सही लगे तो कहीं मैं आपके जहन को आवाज देती हूँ, मेरा मन बनाए और आपकी तालियां मेरी पंक्तियों तक पहुंचे। सुनिएगा कि गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जला कर रख दोगे, गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जला कर रख दोगे, गांधी वाले करुणा का संदेश जला कर रख दोगे, गांधी वाले करुणा का संदेश जला कर रख दोगे। शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो। अब चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूँ, मैं बहुत सटीक बात कहने जा रही हूँ और वाकई ये देखना भी चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं, ताकि मैं ये जान सकूं कि देश में ये बात जानी कितनी जरूरी है। कि गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जला कर रख दोगे, गांधी वाले करुणा का संदेश जला कर रख दोगे, शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो, शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो, अफवाहों के चक्कर में क्या देश जला कर रख दोगे, अफवाहों के चक्कर में क्या। बात बहुत आभार।